हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश किचन। आज हम बनाएंगे मटन बोटी मसाला, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही इजी है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस मटन के पीसेस 250 ग्राम, स्लाइस किए हुए प्याज 2 पीस, टमाटो प्यूरी 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही 1/4 कप, साबुत मसाले तेजपत्ता 2 पीस, बड़ी इलायची 1 पीस, दालचीनी 1 इंच, लौंग 3 पीस, काली मिर्च 3 पीस, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, मीट मसाला 1 टीस्पून, सरसों का तेल 2 टेबलस्पून, चॉप की हुई धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए, गर्म पानी 1 कप। सबसे पहले कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर तेल डालें और इसे अच्छे से गर्म कर लें। अब इसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च डालें। इन्हें अच्छे से स्टर कर लें। अब इसमें प्याज डालें। और इसे अच्छे से लाइट गोल्डन होने तक स्टर करते रहें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें बोटी के पीसेस डालें, इन्हें अच्छे से स्टर कर लें। देखिए, इनका कलर चेंज होने लग गया है। अब इसमें ऑयल भी छोड़ने लग गया है। अब गैस का फ्लेम कम कर दें और इसमें दही डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और मीट मसाला डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके पास मीट मसाला ना हो तो आप उसमें गरम मसाला ऐड कर लें। ये देखिए, इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। अब इसमें टोमेटो प्यूरी डालें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको ढककर 10 मिनट तक पकने दें। बीच बीच में इसे चेक करते रहें। ये देखिए, हल्का सा पकने लग गया है। अब इसका ढक्कन वापस से लगा दें। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो इसमें गर्म पानी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मटन को जब भी पकाएं तो उसमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। अब वापस से ढक्कन लगा दें और इसे 25 से 30 मिनट तक पकने दें। 25 से 30 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएं और इसके पीसेस को चेक करके देखें। ये देखिए, एकदम से गल चुका है। अगर अभी भी ना गले तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इसे पकने दें। अब इसमें धनिया पत्ती डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। लीजिए, मटन बोटी मसाला तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर दें। इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें
इसे कटे हुए प्याज के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।